फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज बनाएंगे सांभर। बहुत कम समय में कैसे सांभर बनाते हैं वही आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। उसके लिए मैंने ले लिए 200 ग्राम अरहर के दाल। दाल को मैंने अच्छे से धो के एक कटोरी में ले लिए। उसमें डालने के लिए ले लिए सारी सब्जी। सब्जी में है गाजर, कुंदरू, फली, बैंगन, कद्दू, लोबिया और एक आलू। अभी हम दाल को एक सीटी आने तक के लिए छोड़ देंगे कुकर में। अभी हम डाल देंगे इसमें पानी। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा ज़्यादा पानी, क्योंकि बाद में हम और पानी ऐड नहीं करेंगे। डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, पानी के अकॉर्डिंग नमक। कुकर में सीटी आ गया। अभी हम इनको साइड में रख देंगे प्रेशर निकलने तक। कुकर का प्रेशर निकलने तक हम थोड़ा सब्जी को थोड़ा सॉटे कर लेंगे। उसके लिए चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई गैस पे। अभी इसमें डालेंगे तेल। तेल मेरा गरम हो गया। पहले डाल देंगे हम तेल में आलू। आलू को थोड़ा चला के डाल देंगे गाजर। उसके बाद डाल देंगे कुमड़ा। इसको हम एक मिनट सॉटे कर लेंगे। अंडमान का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। एक मिनट हो गया। अभी हम डाल देंगे इसमें फली और कुंदरू। अभी डाल देंगे लोबिया और बैंगन। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी और नमक। सब्जी में हल्दी और नमक डाल के सॉटे करने से सांभर का सालन जो है बहुत सुंदर आता है, बढ़िया आता है। सब्जी मेरा सॉटे हो गया। अभी कुकर का प्रेशर भी निकल गया है। दाल मेरा परफेक्ट गला है। अभी हम इसको ट्रांसफर करेंगे एक भगोने में। दाल को मैंने कुकर से भगोनों में ट्रांसफर कर दिया। अभी इसमें डाल देंगे हम सॉटे किए हुए सब्जी। इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि दाल मेरा आधा उबला हुआ, सब्जी भी मेरा सॉटे किया हुआ, इसलिए ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ 5 मिनट पकाने से रेडी हो जाएगा। 5 मिनट हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सांभर मसाला। इसको हम उतार के साइड में रख देंगे। अभी हम इसमें लगाएंगे छौंक। इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल मेरा गरम हो गया। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी, राई और जीरा। इसको हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे, क्योंकि आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है, इसीलिए हम प्याज नहीं डालेंगे। अभी डालेंगे ड्राई चिल्ली। इसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता। इसके बाद डालेंगे टमाटर। टमाटर को गलने के लिए डाल देंगे चुटकी भर नमक। इसमें खटास आने के लिए मैंने इसमें डाला ड्राई किया वाला आम। इसको हम 2 घंटा पहले पानी में कुक करके रखेंगे। सॉस मेरा रेडी है। अभी इसको डाल देंगे भगोने में। एंड में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरा मिर्ची। सांभर मेरा रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो दोस्त प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।